नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तो ये राजकुमार दुबे हैं, इनका अपनी जो बहू है और बेटा है सिद्धार्थ, और जो भावना है उनके साथ पहले से भी विवाद था, लगभग 3-4 महीने से चल रहा है, और आज भी शायद उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा है। उस पर इनके जो बेटे हैं उन्होंने सूचना दी कि हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस पर जब यहाँ लोकल जो चौकी इंचार्ज है वो आए यहाँ पे हिमांशु, और साथ में और एक दो लोग आए, तो यहाँ पे जैसे ही वो आए तो उन्होंने फायरिंग अपनी चालू कर दी। फिर हम लोगों को और सब लोगों को पता चला लगभग 1 बजे के आसपास, तो हम लोग पूरी टीम के साथ आए, इनको समझाया बुझाया गया, अभी इनको हम लोग लेके गए। इनका जो मेडिकल और जो स्वैब वगैरह फॉरेंसिक की कार्रवाई वो सारी। कितने पुलिसकर्मी घायल हैं सर इसमें? देखिए, पुलिसकर्मी अगर देखे जाए तो टोटल 3 घायल है, एक हमारा सब इंस्पेक्टर के हाथ में छर्रा लगा है। यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ससुर ने अपनी बहू से गुस्सा होने के बाद जो तांडव मचाया है उससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। कानपुर में बहू से विवाद के बाद ससुर ने 3 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल क्रिएट कर दिया और छत पर चढ़कर अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक दरोगा और 2 सिपाहियों के घायल होने की खबर मिली है। फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान श्याम नगर के सी ब्लॉक में रहने वाले आर के दुबे के रूप में हुई है। वह शेयर मार्केट का काम करता है। 60 साल के आर के दुबे श्याम नगर के सी ब्लॉक में अपनी पत्नी किरण दुबे, बड़े बेटे सिद्धार्थ, बहु भावना और दिव्यांग बेटी चांदनी के साथ रहते हैं। उसका छोटा बेटा राहुल और बहु जयश्री घर से अलग रहते हैं। रविवार दोपहर 12 बजे आर के दुबे का अपनी बहू भावना से विवाद हो गया, जिसके बाद आर के दुबे अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और सभी को एक कमरे में बंद करके चिल्लाने लगा कि पूरे घर में आग लगा देगा। आर के दुबे की धमकी से घबराई बहू ने कमरे में बंद रहने के दौरान ही पुलिस को फोन किया और कहा कि अगर उसे बचाया नहीं गया तो उसका ससुर उसे मार देगा। चकेरी पुलिस जब आर के दुबे के घर पहुंची तो उसे देखकर वह आपा खो बैठा और अपनी डबल बैरल बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिसकर्मी भी जान बचाने के लिए इधर उधर छिप गए। मौके पर डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार, एसीपी मृगांक शेखर पाठक और एडीसीपी राहुल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन आर के दुबे नहीं रुका, जो पुलिसकर्मी सामने दिखा उस पर फायर करता रहा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।